सर सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट किया है, इससे दर्द में कुछ सुधार हुआ है, हाँ, थोड़ा बहुत रिलीफ आया, थोड़ा सा इसको 2 दिन का समय देंगे हम। ये आपका यहाँ से C3 C4 टाइट है, इसको अलाइन कर लेते हैं, मैं सांस लेंगे छोड़ेंगे, दोनों में क्या होता है स्ट्रक्चर मिसअलाइन होने की वजह से पैर में इम्बैलेंस आ जाता है, छोड़ेंगे। कि ऐसे माने लंबो सेक्रल बोलते हैं, सेक्रम यहाँ है ठीक है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, यहाँ L4 L3 L2 और इस तरह से वर्टिब्रा हमारे सारे ऊपर तक चले जाते हैं। ये दोनों वर्टिब्रा आपके पिंच कर रहे हैं, L4 L5 L5 S1 दोनों पिंच हो गए। अब मैं क्या रसोई में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, खड़े रहते दर्द, खड़े रहते क्या पैर में चालू, हाँ वो चालू रहते। पहले तो क्या कमर दर्द, अब तो कमर में दर्द दोनों तरफ दर्द होके इस पैर में रहता है, खड़ा नहीं रह पाती मैं जी। और अगर थोड़ा तो बैठ जाऊँ ना तो रिलीफ आ जाता है, अगर ज्यादा देर बैठी रहूँ ना तो फिर वही दर्द स्टार्ट, पैर कंटिन्यू चालू ये हो जाता है सर मेरा। इसमें और दिक्कत क्या क्या आ रही है आपको, झंझनाहट होती है एक तो पैर में, हाँ। पैर में सुन आता है, हाँ। खड़े होते ही करंट जैसा चलता है पैर में, सर करंट तो नहीं चले, खड़े होते हो ना तो एकदम सुन पड़ जाता पैर, फिर ये रहता है बैठ खड़ी नहीं रह पाऊँ, फिर बैठ जाऊँ बस ये लगता है मेरे को, फिर खड़े नहीं रहता पड़ जाए। अभी ज्यादा रूटीन में चलती रहूँ तो मैं चलती रहूँ, फिर अगर तो फिर लगता है बैठ जाऊँ बस, चल भी नहीं पाती ज्यादा देर में ना खड़े रह पाती। इस प्रॉब्लम को ही अपन आजकल जो काफी साइटिका इसको कहते थे, कि यहाँ क्या होता है इस जगह से यहाँ से सारी अपनी नर्व सप्लाई निकल रही है ठीक है, तो ये मणके यहाँ से दबते हैं किसी वजह से, झुकने से या वजन उठाने से, ये इस जगह मणका दबते ही ये दर्द नीचे चालू हो जाता है पैर में ठीक है, ये इस तरह बहता है। जब हम लेट जाते हैं रेस्ट करते हैं तो वो जो सारा हिस्सा है वो रेस्टिंग मोड में आ जाता है, मतलब आराम में, तो हमें दबना दबाव कम हो जाता है, जैसे हम चलते हैं खड़े होते हैं लंबे, तो ये दर्द हमें यहाँ से बढ़ के नीचे पैर सर, अभी चल रही हूं तो मैं इस पैर में होला हल्का झंझनाहट आता, हाँ। सुन भी हो जाता है कभी, हाँ। बाथरूम पे कंट्रोल होता है सर, बाथरूम तो क्या भी मैं अभी क्या खांसी आती है मेरे को, हाँ। तब नहीं तो कंट्रोल में तो लीकेज हो जाता है, हाँ ये हो रहा है सर, और खांसते समय मेरे यहां दर्द होने लगता है, यहां पसलियों में दुखता है सर, यहां से नहीं होता पीछे दर्द होने लगता है, अभी की खांसी लगातार हो रही थी मेरी, तब पता लगा मेरे को, वैसे तो पता ही नहीं था, अभी लगातार खांसी हो रही तब मेरे को पता लगा पीछे दर्द हो, पीछे दर्द हो रहा है। सारा जो फेशिया है ना, फेशिया सब चीजों से जुड़ा होता है, और जुड़ने से अपने को उस जगह पिंच करता है और वो दर्द अपने को रेडिएटिंग पैर में उतर जाता है। सर ये पता नहीं था ना, मैं तो खांसी से पता लगा ये दर्द हो रहा है मेरे, पहले मेरे को रिलीफ पीछे आता है, पीछे तो बस ये था पैर से हो रहा है मेरा दर्द, तो अब क्या मैं दवाई भी ली थी, तो दवाई से मैं दर्द की वगैरह थी उसके अंदर, तो मैं लेती रही उसको 4-5 महीने, तो ये लगा रिलीफ है, लेकिन उसको मैंने 2-3 छोड़ दिया, फिर देखे सूर्य अपन क्या, तब छोड़ा तो वापस वही दवाई छोड़ते ही फिर वापस दर्द वैसे स्टार्ट हो गया। मैम इसके लिए अपन एक अलाइनमेंट करते हैं, इसको हम लोग कायरोप्रैक्टिक कहते हैं, अलाइनमेंट करके अपन उस वर्टिब्रा को वापस उसी जगह पे सेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं इसमें। ये आपका यहाँ से C3 C4 टाइट है, इसको अलाइन कर लेते हैं, मैम सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे। सांस लेंगे मैं छोड़ेंगे, अब देखिए दोनों तरफ कर रहे हैं, कुछ हल्का हुआ पैर है वो छोटा हो गया ठीक है। दोनों में क्या होता है स्ट्रक्चर मिसअलाइन होने की वजह से पैर में इम्बैलेंस आ जाता है, तो हम इसको यहां से बैलेंस कर लेते हैं। सांस लेंगे मैम छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम
अभी मैं आपके दोनों पैर देख रहा हूँ, ये देखिए दोनों अभी बराबर है, हल्का छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कौन ही नीचे लेके आएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज करेंगे मैम, हिप ऊंचा है और इस तरफ से नीचा हो गया, एक तरफ से पूरा रोटेट है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर में समझें, ये देखिए यहां इस तरह से हमारा मॉडल है और ये जो इलियम है ना, ये इनका इस तरफ से डाउन आ गया इधर इधर, और ये यहां से वर्टिब्रा इधर, ये रोटेट है, ये इस तरफ से वर्टिब्रा, दोनों दो वर्टिब्रा रोटेट हुए, रोटेट होने से ये वाला कंप्रेशन जा रहा है, कंप्रेशन जाने से क्या हो रहा है, ये जो हमें येलो कलर के दिख रहे हैं नर्व्स है, नर्व सप्लाई पिंच होती है। अगर आप यहां अगर ढंग से देखेंगे, ये देखिए ये यहां नर्व पिंच हो रही है, पिंच होके ये रेड दिख रहा है, जो रेड मार्क हमें नजर आ रहा है, ये पिंच होके रेडिएट पेन ये नीचे पैर में उतर जाता है, ये इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह से इनको अभी ये वर्टिब्रा इधर शिफ्ट हो रहे हैं और इस तरफ से पिंच हो रहा है इनको, ये मॉडल में हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है पर इनका पिंचिंग इस तरफ है, इस तरफ होते ही अगर हम इसको अंदर से देखें तो ये वर्टिब्रा हमें इस तरह से दिखाई देता है, ये यहां से L5 और ये नीचे S1 है, लंबो सैक्रल बोलते हैं, सैक्रम यहां है, ठीक है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, यहां L4 L3 L2 और इस तरह से वर्टिब्रा हमारे सारे ऊपर तक चले जाते हैं। इनके बीच में जो डिस्क है, डिस्क एक गादी जैसी होती है, एकदम नरम, ठीक है, जेली जैसी गादी बीच में से दब जाती है, ये गादी का करीब करीब 16 mm स्पेस होना चाहिए। अब 16 mm की जगह कई बार पेशेंट्स का ये 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm दबने पे डिपेंड करता है, ये यहां से जो स्पेस है वो कम हो जाता है। स्पेस यहां कम होते ही इसी के यहां पीछे से कैनाल से नर्व सप्लाई जा रही है और वो नर्व दबती है, पिंच होती है। अब आप समझ रहे हैं, अगर कोई चीज चुभेगी, चुभने से वो सारा का सारा दर्द नीचे कूल्हे में उतर जाता है, यहां यहां से। अब ये दर्द है कि यहां अगर हम इनको पेशेंट को दबा रहे हैं तो इनको इस जगह पे दर्द आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस वर्टिब्रा को हम वापस सेट करेंगे, अभी ये इस तरफ घूमा है, इसको हम वापस अपनी जिस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, यहां से वर्टिब्रा को हम इधर लेटरल साइड शिफ्ट करेंगे, इधर से हम इसको पोस्टीरियर और एंटीरियर शिफ्ट करेंगे, दोनों वर्टिब्रा को हम शिफ्ट करके वापस इसको अलाइन में लेके आएंगे। जिस तरह से हमारी गाड़ियों का अलाइनमेंट बिगड़ता है, उसी तरह से हमारी स्ट्रक्चर का भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। अलाइनमेंट बिगड़ने से जब पेशेंट खड़ा होता है, चलता है, तो चलते ही वो मसल्स उनको उतना सपोर्ट नहीं करती और सपोर्ट ना करने की वजह से पेन रेडिएट होके पैर में उतर जाता है, इस तरह से पैर बहता हुआ दर्द उनको पैरों में जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको एक अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट करके हम देखते हैं इनको क्या सुधार मिलता है। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए यहां से जो इनका क्यूएल है, थोरेकोलंबर फेशिया, वो इधर वीक हो गया और इस तरफ से टाइट हो गया है। जिस तरह से इनको इधर दर्द आ रहा है, यहां इनकी मांसपेशियां खिंची हुई, खिंचने की वजह से वो दर्द सारा पैरों में उतर रहा है। सांस लेंगे मैम, छोड़ देंगे, हाथ में हाथ लॉक रखेंगे मैम, सांस लेंगे, छोड़ देंगे सांस, ये वापस कर, आराम से चलिए, चलो दो तीन राउंड चलेंगे तो वो चीज सेट हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत रिलीफ आया सर मेरे को इससे, लग रहा है। हाँ, क्या क्या दिक्कत हो रही थी पहले आपको? सर मेरे क्या है, पहले से क्या मेरे को पता नहीं था, बाद में पता लगा था, मेरे यहाँ से दिक्कत होने लगी, फिर दिक्कत होते होते पैर में सुन रहने लग गया, तो मैंने काफी डॉक्टर को भी दिखाया अभी, तो अब क्या एक्सरसाइज कर रही थी तो थोड़ा रिलीफ था, लेकिन दवाई ली तो दर्द की दवाई दे रहे थे वो, तो दवाई से मैंने सोचा रिलीफ है, मैंने एक दो दिन बंद कर दिया। हमने आपको कोई भी दवाई नहीं दी है, हाँ, सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट किया है, इससे दर्द में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत रिलीफ आया, थोड़ा सा। इसको दो दिन का समय देंगे हम, कुछ कसरत घर पे करेंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, सेट हो जाएगा, ठीक है सर।